हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो पे। तो मैं आज बात करने वाला हूँ फेसबुक के बारे में। फेसबुक में क्या बताने वाला मैं आप लोगों को कि अगर हमारे फेसबुक में जैसे अगर हमारा मोबाइल गुम हो जाता है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे हमारा हमें जो है फेसबुक का पासवर्ड याद नहीं रहता, ठीक है। तो अगर हमें पासवर्ड नहीं याद है अगर, या फिर एक काम है कि आपके मोबाइल में फेसबुक इंस्टॉल है और चल भी रहा है और आपको नहीं पता है कि आपके फेसबुक का पासवर्ड क्या है, तो मैं आप लोगों को उसी चीज़ की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं कि अपना फेसबुक का पासवर्ड एक मिनट में कैसे जाने। तो वीडियो पे नए हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई लोग, और मैं आप लोगों को लेके चलता हूं यहां पे फेसबुक पर, ठीक है। सीधा फेसबुक प्रोफाइल पे लेके चलता हूं यहां पे, और उसके बाद यहां पे हम लोगों को आ जाना थ्री डॉट पे, ठीक है। ये थ्री डॉट पे मैं आ जाता हूं, इस पे आ जाता हूँ। यहाँ से हम लोगों को सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दो आप लोग चाहे, और चाहे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला, ठीक है। इस पे भी क्लिक कर सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सीधा नीचे स्क्रॉल करते हुए चले आना है, और यहाँ पर हम लोगों को कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ से पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को दूसरे नंबर पे, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस पर कर देता हूँ क्लिक, और ये ओपन हो रहा है धीरे धीरे, और ये यहाँ पे आ गया पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। एक मिनट, ये आ गया पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन, ठीक है। इस पर कर देता हूँ मैं क्लिक। अब यहाँ पे हम लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर कर देना है क्लिक। अब हमें यहाँ पे पहले नंबर पर जो है ये फेसबुक है हम लोगों का, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जब तक हम लोगों को करेंट मतलब पहले का पासवर्ड नहीं पता रहेगा तो हम लोग नया पासवर्ड कैसे डालेंगे, तो उसी चीज़ के लिए बताने वाला हूँ कि हम लोग जो पासवर्ड ऑलरेडी पड़ा हुआ है हमारे मोबाइल पे वो पासवर्ड हम लोगों को कैसे जानना है, किस प्रकार जानना है। तो यहाँ से हम लोग नहीं जान सकते हैं कि फेसबुक का पासवर्ड कैसे जो है हम लोग पता कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते। फेसबुक ऐप से तो पता ही नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जो पड़ा हुआ है यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन मांग रहा है, मतलब कि पहले का करेंट, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये करेंट पासवर्ड मतलब अभी जो पड़ा हुआ है ये पहले डालो, और उसके बाद यहाँ पे फिर न्यू पासवर्ड डालो और फिर से रिपीट करो, रिटाइप पासवर्ड, तब यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे ओपन होएगा, ये जो है ठीक कलर से जलेगा, ऐसे नहीं होएगा। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ क्या करना है, ठीक है। यहाँ से आप लोग सीधे बैक चले जाओ, और बैक जाने के बाद यहाँ पे आप लोग आपके मोबाइल पे जीमेल होगा ये वाला, ये जीमेल लिखा है ब्लैक घेरे में, देखिए आप होएगा आपके पास, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए आप। क्लिक करने के बाद आप लोग सीधा सिंपली इस पे आ जाइए प्रोफाइल पे, और यहाँ पे मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिया होगा, इस पे आप लोगों को चले जाना, ठीक है। यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, और यहाँ से हम लोग ऐसा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल रहा होगा आप लोगों को ये वाला, ये ठीक है। इस पे चला जाना है, और यहाँ से हम लोगों को स्क्रॉल करना है, नीचे आना है, ठीक है। नीचे आना है, यहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, ये पासवर्ड मैनेजर का, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को जिस चीज़ का पासवर्ड चाहिए, यहाँ पे आपके जीमेल आईडी से जितने भी ऐप आपने लॉगिन किए हैं या पासवर्ड डाले हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमें फेसबुक का चाहिए, एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों को चाहिए फेसबुक का पासवर्ड जानना है, तो इस पे हम लोगों को कर देना क्लिक, और यहाँ पे हम लोगों को लॉक स्क्रीन का, इंटर योर स्क्रीन लॉक, आपने जो लॉक लगा के रखा है वो वाला ले लेना है। और यहाँ से अगर आप लोग देखना चाहेंगे, यहाँ पे आइकन यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो ये शो करने लगेगा, ठीक है। और मेरे दो पास फेसबुक आईडी है, एक ये अंशु कुमार साहूवल, इसकी आईडी जो है यहाँ पे ये पड़ी हुई है, ठीक
ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये सब शो हो जाएगा। तो आप लोग भी इस प्रकार जो है देख सकते हैं, आप लोग अपने फेसबुक का करंट पासवर्ड और फिर जाके बदल सकते हैं किस प्रकार बदलना है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए एक और नई वीडियो पर।